दर्शकों, हमने हमारे चैनल पे कल एक प्रेस ब्रीफिंग रखा गया था ओल आमसू मिशमी स्टूडेंट यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी है बासमन यून जी, उन्होंने भी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि आज के दिन कॉलेज गेट से लेकर मिनी सेक्रेटरी तक एक पीसफुल मास रैली रखा जाएगा जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके ग्रीवेंसेस को लेकर। तो यहाँ पे हम जब आए तो हमें ये बता रहे हैं कि जो डीसी सर है उन्हें डिप्यूटी कमिश्नर उन्हें पता नहीं कि इस तरह के उन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं आया है। और यहाँ पे जितने भी आमसू के जो प्रेसिडेंट हैं जीएसए सभी यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो लोग डीसी सर का इंतजार करेंगे जब तक वो यहाँ पर उनका जब तक कोई जवाब नहीं आता, तो वो देखने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे स्कूल से जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उन्होंने इस रैली को उन्होंने सपोर्ट किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब लोग मौजूद हैं इस रैली में, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं सभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इन्होंने कॉलेज गेट से ही रैली स्टार्ट करके अभी मिनी सेक्रेटरी पे यहाँ रुक रहे हैं जब तक डीसी सर का कोई जवाब नहीं आता। बता रहे हैं कि वो यहीं पर रहेंगे। आप लोग क्या बोलना चाहेंगे कि डीसी सर अगर जब तक कोई जवाब नहीं देता आप लोग क्या यहीं पर रुकेंगे या जी आप यही रुकेंगे जब तक सर से कोई जवाब नहीं मिल जाता? रुकेंगे, जरूर रुकेंगे। देगा क्या हमारे तेजू लोहित जिले के एक सोशल एक्टिविस्ट जो आप लोग वाकिफ होंगे इस इंसान से, यालू मामा जी, वो भी हमारे साथ है। उन्होंने भी ये पीसफुल रैली को आईजीजी कॉलेज से आपने शुरुआत से ज्वाइन किया है, तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या राय है इस मास रैली को लेकर। धन्यवाद वेली प्रेस। मैं तो बहुत दुख हूँ क्योंकि बच्चे लोग अपना मांग रखने के लिए रास्ता पे उठा रहे हैं, जबकि बच्चे लोग पढ़ने समय है ना, ये देर स्टडी ना पढ़ने समय है, और इन लोग क्या हो गया अभी साल में पढ़ करके जिंदगी पढ़ के नौकरी नहीं मिला, पेकअप नौकरी कैसे नहीं मिलता, पेपर लीक होने के कारण से बोल लो पैसे देखिए करोड़ रुपये पैसे देखिए घुस जाता है। लेकिन हमारे भाई देखिए लोहित रंजन भी इतना क्वालिफाइड ले, हमारे वर्क हमारा स्टूडेंट लोग भाई लोग हैं बहन लोग हैं, उन लोगों को नौकरी नहीं मिलता है पेपर लीक होने के कारण से। आज इतना बच्चा लोग रास्ते पर उतर है, बींग ए सीनियर फीलिंग सेम ना। तो लेता आपका जो तेजू वेली प्रेस है, आपका जो द वेली प्रेस को देखना चाहिए, सीएम साहब ऑनरेबल सीएम साहब पेमा खांडू जी, ऑनरेबल डीसीएम साहब श्री पेमा चौरामिन सर, अभी इस वेली प्रेस का न्यूज़ को देखे और हमारा बच्चा लोग का मांग पूरा करे। और मैं जानता हूँ सरकार अपना काम कर रहा है, मोर देन बहुत लोग अरेस्टेड हो गए, 30-40 अरेस्ट हो भी गया, लेकिन उन सस्पेंशन एंड टर्मिनेशन इज नॉट द सोल्यूशन, उन लोग फांसी होना चाहिए। दे आर नॉट ह्यूमन्स, वो आदमी नहीं है ना, बच्चा का लाइफ को खिलवाड़ कर रहा है भी। देखिए मैं तो आज मैं बूढ़ा हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे लोगों को तो चाहिए ना। आज मैडम देखिए ये बच्चे नौकरी नहीं मिलेगा, बीए एमए डिग्री करे पीएचडी करके नौकरी नहीं मिलेगा, ये बच्चे क्या करेगा, ड्रग्स पिएगा, ये बच्चे चोरी करेगा, ये बच्चे दूसरा चीज कानी पिएगा दारू पिएगा, क्या करेगा बच्चे लोग का। इसलिए मैं चाहता हूँ सरकार से चाहता हूँ कि हमारे बच्चे लोग जो बात सुने, हमारे आमसू टीम का मांग सुने, और आज को जो ये पीसफुल रैली को मैं बींग ए यालू मामा फुली समर्थन करता हूँ, चाहे मेरा साथ कुछ भी हो जाए आई एम रेडी टू फेस, क्योंकि आप बच्चों के साथ लाइफ को खिलवाड़ नहीं, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, ये बच्चे लोग देश को आगे लेके जाएगा। तो मैं यही अपील करूँगा जितना भी हमारा आपका दावेली प्रेस देख रहा है, आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी देख सके। तो थैंक यू वंस अगेन। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर हर एक जनता तेजू लोहित जिले के वो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके पेपर लीकेज के ये जो स्कैम जो यहाँ पे मास रैली रखा गया है, सभी जनता इस चीज को सपोर्ट कर रही हैं। तो आइए हम और भी यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं हम उनसे बात करेंगे इस बारे में। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ साफ तौर पे लिखा गया है वाई ओनली ताके जेरंग अरेस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ एपीपीएससी। तो यहाँ पे भी देखिए आप स्वच्छ एपीपीएससी अभियान जितने भी बैनर्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं।
वी आर सेक्रीफाइसिंग टाइम एनर्जी एंड प्रोडक्टिव यूथफुल लाइफ फॉर द दिस एग्जाम. भाइयों और बहनों थोड़ा सा शांत रखिए, अभी अंदर में थोड़ा मीटिंग चल रहा है इस विषय को लेकर के ही, तो थोड़ा सा शांत बना के रखिए. One minute silence, please. अभी अडानी डी सी साहब ने रिक्वेस्ट किया है, अब तो थोड़ा सा हम लोग हमसे टीम लोग अंदर चला गया है, अब तो थोड़ा 10 मिनट रुकिएगा, जब उन्हें आएगा प्रेस ब्रीफिंग करेगा. अभी हल्ला करिए, इंदिरा से बैठिए, पानी मंगवा दिए, पानी पीजिए, होगा पानी मेरा तरफ से. बच्चे लोग सब बच्चे मेरे बच्चे हैं, इसे अब दूर तकलीफ देने नहीं सकता. मैं तो पानी दे दिया, अब हल्ला नहीं करेगा अभी. ओके, अब कोई हल्ला नहीं करेगा, चलिए चलिए हल्ला नहीं करेगा. Keep silence. आराम बैठिए, सेकंड ओ पेड़ के नीचे जाइए, हवा का मजा लीजिए, फ्री का हवा जाइए. जैसे कि आपने सुना कि हमें बताया जा रहा है कि ऑल मिशमी स्टूडेंट्स यूनियन जो है वो डीसी सर से बात करने उनके चैम्बर पर गए हैं, तो तब तक के लिए हम भी इंतजार करेंगे कि सर का क्या कहना रहेगा इस मास रैली को लेकर, और आमसू की तरफ से एक ब्रीफिंग रखा जाएगा, तो उसको जानने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए. गाड़ी भेजो ना कोई पानी और ठंडा लेने के लिए. कौन किया शर्मा दुकान को? हाँ शर्मा बोलिए जी. जाइए ना गाड़ी लेके जाइए.